ऐसे ही
रिश्वत देते रहो और रिश्वत देते रहो। शैतान जिंदाबाद। अरे बहुत जगह छुट्टी है। अरे तुमने दोनों गलत फहमी हो गई है।
रोटी हमारा आज रही, हम पहले तरह का पन्या करवाएंगे। बोले तुम मुके आंख दिखावत रही, राशो के काटाट पियो, तुम मुके बेलनो फेंक के मारी। अरे अपनी आंख बच गई, वो तो अपनी अच्छी किस्मत से एकदम चश्मा लगाए रहे, बेलनो चश्मों पे लगा, चश्मा फूट गवा। बेटा अब सब्र करो। अरे का सब्र करो, तुम लोग झूठ बोल के अपनी मिट्टी मोहरे मत लगा दियो, बहुत बड़ा धोखा दियो तुम लोग। मुके बना दियो ना बलि का बकरा, ना घर का ना घाट का। चलो अंदर चलो, चलो घर में। दहशत गर्द मच्छर इंडियन एयरपोर्ट के कब्जे में,
कार्रवाई जारी है। दोस्तों मार्केट में नाश्तों में कमी को बाजार गर्म, कुत्तों का राज में सड़कों गलियों में गुंडा राज, एक चूटे ने कुश्ती को मुकाबला में हाथी को पछाड़ दिया, सरकारी अदारों में रिश्वत खोरी का बाजार गर्म, मच्छरों और कट्टरों ने कारपोरेशन में तोड़ फोड़ की, शहर के हालात नासाजगर, स्कूलों में छुट्टी दे दी गई और पूरे शहर में कर्फ्यू, मौसम में संख्या निकाय के कल आसमान से रसगुल्लों और गुलाब जामुन की बारिश होने वाली है। इसके साथ बच्चे कलाफमैन की तरफ अपना मुंह खुला रखे और टकलों से गुजारिश है कि वो घर से हेलमेट पहनकर निकले। आज गुलचना अन्ना हाई स्कूल में ड्रामा नाइट पेश होने वाला है, इसके साथ इससे लुत्फानंदोज हो। एक ब्रेकिंग न्यूज, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द ड्रोन को पकड़ने के लिए सरकार ने 5 करोड़ का नकदी इनाम रखा है। जब बाहर अस्सलाम वालेकुम, देखते रहे पोल खोल न्यूज चैनल, 24 घंटों में 48 घंटों की सनसनी खेज खबर। आज धरती पर मेरा राज है, सिर्फ मेरा, मेरा राज चलता है शैतान आजम का। हा, 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 हा। आज मैंने औरतों में बेहयाई, बेपर्दगी, बच्चों और नौजवानों में बेअखलाकी, बेहुदारवी और उन्हें गुटखा, रक्त, शराब जैसी नशा आवार चीजों की लत लगा दी है। टीवी, मोबाइल और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल आम कर दिया है। और तो और साधु संतों, सियासी रहनुमाओं और मुकद्दस पेशावाराओं को भी गुमराह कर दिया है। बकवास बंद कर, कौन हो भाई तू? पहचाना नहीं, मैं कौन? अरे तेरा दोस्त डोर। मेरा दोस्त? हाँ तेरा दोस्त। कौन? मेरा दोस्त इंसान है, इंसान जो आज मुझसे भी 2 कदम आगे जा चुका है। हाँ मैं वही इंसान हूँ। कौन? बुरा आदमी, बहुत बुरा आदमी। ओ मेरे जिगरी दोस्त इंसान, अब मेरा इस धरती पर कोई काम नहीं, क्योंकि अब मेरे सारे बुरे कामों को तुम लोग बखूबी अंजाम दे रहे हो। सच कहा मेरे दोस्त, बिल्कुल सच कहा। ये लड़ाई झगड़ा, लूट मार, दंगे फसाद और कत्ल और कारागिरी और अमानत में खयानत, हम इसे बखूबी अंजाम दे रहे हैं। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। शैतान तुम्हारे कामों से खुश हुआ। अब मैं चलता हूँ, मेरा क्या काम इस तुम रुक क्यों गए मेरे दोस्त? और कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और इतना क्यों घबरा रहे हो जैसे आज ही कयामत आने वाली है? मेरे लिए तो आज ही कयामत आने वाली है मेरे दोस्त, मैं समझा नहीं। लगता है कोई अल्लाह का नेक तो अपने अब तेरा बस करने वाला नहीं। मैं तो चला मेरे दोस्त, अब मैं चलता हूँ, पर तुम इस पूरे काम को हमेशा अंजाम देते रहना और उस नेक बंदे के चक्कर में कभी ना आना। मैं तो चलता हूँ। बस हमारे सामने नेक बंदा आने वाला है। ये शैतान बहुत खुश हो गया और डॉन को दोस्त तो बना लिया, लेकिन अब देखिए कैसे वो पछता रहा है। नेक बंदा आ रहा है तो उसको घबराहट हो रही है। अब हमारे सामने नेक बंदा, जैसा कि मेरे दादा दादी को गुमराह किया था और उन्हें जन्नत से बाहर करवा दिया था।
था, इसलिए छोड़ दे शैतान का साथ, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुदा हुआ दुश्मन है। कौन हो तुम? अल्लाह का दोस्त, शैतान का दुश्मन और भटके हुए इंसान को सही राह बताने वाला। क्या चाहते हो? ये वक्त तो सवाल करने का नहीं है, अमल करने का है। अमल करने का? हाँ, अमल करने का। अमल अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। मार डाल अपने अंदर के शैतान को और जाग जाओ। मैं सोया कब था? मैं तो जागा हुआ हूँ। नहीं, तुम नहीं जागे हो, बल्कि तुम्हारे अंदर का शैतान जागा है। तो मार डाल अपने अंदर के शैतान को और जगा दो अपने अंदर के इंसान को और उतार दो अपने सर पर से शैतान का चूल्हा, उतार दो अपनी आंखों पर से गुनाहों की पट्टी, लौट आओ बुराइयों के शिकंजे से, लौट आओ गुनाहों के इस दलदल से, वरना गुनाहों का ये दलदल तुम्हें ले डूबेगा। बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है। हकीकत में तो मैं तुम्हें जिंदगी की हकीकत का आईना बता रहा हूँ। देख इस आईने में अपना चेहरा और पहचान ले जिंदगी की हकीकत को और लौट आओ शैतान की ढकूसी दुनिया से। मैं तो तुम्हें शैतान के चंगुल से छुड़ाने आया हूँ। मैं किसी के चुंगल में नहीं फंसा हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। मेरी बात सुनो। मैं खुद नहीं सुनना चाहता। अभी तो मेरे ऐश आराम की जिंदगी और अच्छे दिन बीतने के ख्वाहिशात बाकी है। तो रो डालियो अपने ख्वाहिशात का गला, कुचल डालियो अपने नफ्स को, छोड़ो इर्द हवास को, पहचानो हराम और हलाल की तमीज को और अपना लीजिए सुन्नत रसूल को। दीन से करीब आओ, नमाज कायम करो, क्योंकि यही दोनों जहां की कामयाबी का अमल है। मौत आने से पहले अपने सगीरा और कबीरा तमाम गुनाहों से तौबा करो और अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगो। अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेगा। अगर अब भी तौबा नहीं की तो समझ लो शैतान का ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। अब भी वक्त है, मार डालो अपने अंदर के शैतान को और जाग उठो, तौबा करो, वरना बहुत पछताओगे। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने मेरी आँख मौत आने से पहले खोल दी? शुक्रिया मेरा नहीं, अल्लाह से अदा करो। अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगो। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, खतावार हैं, कुसूरवार हैं, फिर भी तेरे बंदे हैं। बेशक। ऐ अल्लाह, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, हम शैतान के बहकावे में आ गए थे और इसी के बताए हुए गलत रास्ते पर चल पड़े थे। ऐ अल्लाह, हमें माफ फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्र है मालिक तेरा, जाग उठा इंसान, जाग उठा इंसान। नक्शे कदम नबी के है, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिटाते हैं सुन्नत के रास्ते। हमारे सामने